वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों ऑन अनपॉपुलर डिमांड कौस्तुब एंड आई वी बैक टुगेदर। आज की वीडियो में होगा ये कि भाई ने जहां से ऑर्डर किया और मैंने जहां से ऑर्डर किया हम लोग का ऑर्डर स्वॉप होगा। नेपोलिटन स्टाइल पिज्जा कहते हैं इसे। ये तुम्हारे पीटा जो है ना ये माता लग रही है। क्या है जिस तरीके से खाओ खाने को तुम्हें रेट करना चाहिए। Don't be biased, bro. It's beautiful. It's like a man. Okay, चुप। हम कुछ ज्यादा ही टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। इतने टाइम से किसी को नहीं जानना चाहिए। सही बात है। इतना जान चुके हैं कि अब हम अनजान होना चाहते हैं। सही बात है। हम थोड़ी मेमोरीज इरेज करना चाहते हैं एक दूसरे की। We want to unlearn each other. Unlearn. Ideal best friend क्या होते हैं? मेरा ideal best friend कौन है? आपका आइडियल बेस्ट फ्रेंड में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहले चश्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो टी शर्ट और ब्लैक जैकेट सुपर इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी वेरी नाइस एंड केयरिंग। तो चश्मा तुम्हारे पास है, केयरिंग तुम हो नहीं और येलो तुमने शर्ट पहनी नहीं है। आइडियल बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो बात करते वक्त थूके ना। काश तुम मेरा अच्छा दोस्त होता। सो बेसिकली दिस इज बीटरूट चटनी, दिस इज मालाबार परोटा एंड दिस इज गत्ता। क्या है ये भाई? This is my love for you, Kaus. It's a pizza. ये pizza थोड़ा आधा नहीं रह गया है? नहीं, इसका यही style है bro. ये Neapolitan style pizza कहते हैं इसे। ये Hema's Kitchen से मैं मंगाता हूँ। उधर का नॉनवेज काफी फेमस है इसलिए मैं कभी खाता नहीं था, लेकिन मैंने एक बार मालाबार परोटा बीटू चटनी के साथ मैंने खा लिया था। हमारे दोस्त विवेक ने ऑर्डर किया था, तब से मैं दो तीन बार मैंने ऑर्डर किया। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा है। और मैं थोड़ा पिज्जा अवॉइड करने लगा हूँ क्योंकि यार मैदा होता है, मैदा इज नॉट गुड फॉर यू नो। हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमारा खाना भी अगर आप हमारे खाने का सेक्स भी करा दो ना तो भी चलेगा। I remember कनिष ने मेरे को लास्ट टाइम जो चीज खिलाई पिलाई थी वो थी चाय। नहीं तूने पी नहीं थी वैसे। पी थी मैंने। जो लास्ट चीज मुझे कॉस्ट्यूम ने खिलाई वो जिल्लत के लड्डू, बेइज्जती। एक्चुअली मेरे को खिलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही छीन के खा लेता है। इसका सबूत तो सोशल मीडिया पे है। सोशल मेरे पेट पे दिखता है। कितने का आता है ये? ये है 350 का होगा आई थिंक। मैं बताता हूँ इसको, ये पिज्जा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि ये खुद ही खा सके। आई नो कनिष। ये कितने का आता है? 250-300 का होगा। सही है, मतलब 250, मतलब बहुत रिच फ्लेवर्स हैं इसके। ये वो सस्ता वाला वो जो थाली में आते हैं ना, सस्ते जो पराठे जो एकदम कड़क हो जाते हैं सब्जी में डुबा तो मजा नहीं आता है, ये वो नहीं है। वेरी प्रीमियम, वेरी रिच। आई वांट यू टू ट्राई समथिंग एल्स, मतलब थोड़ा सा ऐसे हेल्दी भी रहे और तुम्हारा थोड़ा देसी वाला एंगल भी रहे। आउट ऑफ 5 ब्रो आई विल गिव इट अ 4.5। आउट ऑफ 5 आई वांट टू गिव 4 क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूं कि इससे भी बढ़िया चीजें होंगी। दिस इज कॉल्ड ट्रेस लेचेस। तो ये जो साबुन की टिकिया आपको दिख रही है, ये साबुन की टिकिया है नहीं दोस्तों, इस पे एक केक है जिसके ऊपर कंडेंस मिल्क है। ये तीन तरीके के मिल्क का बनता है। देखो एक्सपेक्टेशन कुछ रखो मत, कुछ मत रखो, दिमाग को खाली रखो, आग बंद करो, उसे खाओ। ये अगर तुम्हें जन्नत की हकीकत ना मिले तो मेरा नाम बदल देना खाली। दिस इज बनोफी। ये कौन सा बनोफी पाया भाई? अच्छा ओके। मुझे बुरा भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये इससे मैंने बहुत तारीफ सुनी है थ्रेशलेशियस की। ब्रो तारीफ अंडरस्टेटमेंट है। ओके डोंट बी बायस्ड ब्रो, दिस इज इनोसेंट, इट्स लाइक अ मैन। ओके चुप। तो बहुत सही है यार, सॉफ्ट एस फर्क। सेटिंग खुलाओ भाई, ये लो, योर पैरेट्स विल फ्लाई, दे विल फकिंग आस्क फॉर फ्रीडम। केयर छोड़। 1,00,000 करोड़ से मैं कह रहा था, 1,00,000 करोड़ सालों से कह रहा था मैं तेरे से लेचेस खाऊं, कोई नहीं सुनता था मेरी बात, कोई नहीं सुनता था मेरी बात। It's a nice, it's a nice. Bro, it's best, bro. It's 5 out of 5. 5 on 5, bro. अब ये खाते हैं। बनोफी पाई को बनोफी पाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बनान होता है। So that's why banana and coffee and pie. But top notch चाहिए। इसको मैं 4.5 देना चाहूँगा सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे तेरे से लेचेस है। Otherwise इसको 4.7-4.8 तो फॉर श्योर मिलता है। इसमें सिर्फ एक कमी मुझे लग रही है कि दिस इज टू कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक्चुअली ये जो थ्रेशलेशियस है इसका, ये मुझे रसमलाई की याद दिला रहा है। हाँ एक्चुअली अगर इन दोनों में चूज करना है ब्रो, आई विल चूज थ्रेशलेशियस फॉर लाइफ। एक्चुअली मैंने बर्फी पाई बहुत खा लिया है लेकिन मैंने थ्रेशलेशियस पहली बार खाया है, तो मैं इसको अब खाना चाहूंगा और इसका नशा करना चाहूंगा जिंदगी में। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं इसको रेट करना चाहूंगा 5।
515 4.515 अगर आपने कभी ये नहीं खाया दोस्तों, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग इन लाइफ, सो प्लीज गो एंड ऑर्डर दैट। सबसे पहले हम बता देते हैं, ये जो ऑर्डर है, जो मैंने ऑर्डर किया था, ये है लुई बर्गर का स्विस कॉटेज चीज बर्गर। ये मेरा रात का ऑर्डर है, क्योंकि जब मेरे को रात में बहुत भूख लगती है और मैं बिरयानी मंगाता हूँ। लेकिन आपका ये बिरयानी कहाँ से है? बिरयानी ब्लूज। बिरयानी ब्लूज। I really like बिरयानी ब्लूज bro। ये पता है मुझे क्या लग रहा है? पनीर 65 बिरयानी। वही है सर ये। जो वही है। जो मैं सही बताऊँ मेरे को ओकेश लगा। ये जो जो पनीर है ना, वो बहुत ज़्यादा पनीर है। उसके साथ जो सॉस है ना, वो कम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट पनीर का आ रहा है। एक्चुअली सही है, सॉस का नहीं आ रहा। हाँ। मैंने ये ऑर्डर किया था ना, ये गलती से हो गया था। कॉटेज नहीं पढ़ा था मैंने, चीज पढ़ के मैंने चीज बर्गर सोच के मंगा लिया। अब आ गया पनीर, कॉटेज चीज। क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वो कॉटेज चीज पनीर नहीं लेते हैं। या मैं बताऊं, देखो ये बर्गर तो बहुत ही ओकेश है। एक दिस एक्चुअली रेस्टोरेंट, नहीं नहीं बर्गर आमा का भी सही है। एक वो है ब्रो बर्गर सीपी में, नहीं मिस्टर बर्गर ब्लॉक में, उसका क्या नाम है यार, मैकडॉनल्ड्स, उसका एक कालू टिक्की बर्गर बहुत सही है। बिरयानी बहुत खा लिया, वही वेज बिरयानी, और इसमें स्पाइसेस अच्छे, कड़ी पत्ते वगैरह डाल रखे हैं। थोड़ा सा इन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की है, अच्छी है, बुरी नहीं है। अगर मेरे को बहुत तेज भूख लगी होगी और एक गर्मा गर्म आएगी फ्रेश, तो बहुत अच्छी लगेगी। अभी क्या है ना, खुले खुले में ना ठंडी जल्दी हो जाएगी। मेरे को पता ही है, मेरे को डिसअपॉइंटिंग इसलिए लगा कि ये देखने में इतना सही बर्गर था ब्रो, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी चीजें हैं भाई। इसकी जो पैटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा ओवर फ्राई कर दी है इन्होंने, पहली बात ये। मुझे लगता है ये जो पनीर जब डालते हैं ना, तो पनीर के बीच में काट के इनको सॉस डालना चाहिए, उसके बाद इसको फ्राई करना चाहिए, ताकि पनीर के अंदर ना सॉसेज हों। 5 में से कितना दोगे, क्यों दोगे? मैं इसको 4 देना चाहूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बढ़िया होगी तो मैं 5 दूंगा, लेकिन ये मुझे बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, तो 4 दूंगा मैं। मुझे ये बर्गर यार, मेरे को इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तो 5 मतलब 0.5 नंबर तो इसके वैसे ही चले गए, तो इसको मैं देना चाहूँगा 3। क्यों? मैंने बर्गर मैं कालू टिक्की मैं इसके ऊपर प्रेफर करूँगा, तो मतलब यू कैन इमेजिन हाउ सैड अ बर्गर दिस इज। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास क्या है? मेरे पास है वेज पेरी पेरी चीज रोल फ्रॉम मीलफुल रोल। ओके सर, मेरे पास है शर्मा जी का बेटा फ्रॉम अलबेक। ओ, जिसको हम प्यार से शर्मा बोलाते हैं। यस, वही अल्पेक। अगर तेरे को सुबह उठना हो तो मैं पता क्या करूंगा? अल्बेक। ये रेस्टोरेंट वाली फील नहीं देता हमको, मगर ये घर वाली फील देता है। लेकिन ये वैसा भी पराठा है कि कई बार जब आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि बेटा खा ले खा ले खा ले, आप बोलते नहीं है मुझे खाना नहीं है, वो पराठा है। जब भी मेरे को ऐसा होम सिकनेस होती है, तो मेरे को मन करता है मैं घर का कुछ खाना खाऊं। अब मैं ऐसे कैसे खा लूँ, और मेहनत करनी नहीं है मेरे को किचन में जाके, तो मैं ये सब चीज़ें मंगा लूँ, ताकि ऐसा आसान है बस। अगर आपको घर का खाना है तो आप घर चले जाओ। यू लिव इन लखनऊ, नॉट ऑन प्लूटो, कम ऑन। ऐसा भी हो सकता है कनिष्क कि तुम अपने घर बुला के मुझे खाना खिला सकते हो, शर्म नहीं आती? साले अपने को दोस्त कहते हो कुत्ते। भाऊ भाऊ अलबेक का शॉर्मा, हम वेज शॉर्मा टेस्ट करेंगे, तो पहले अंदर खोल के दिखा देते हैं कि इसकी औकात क्या है। ये है इसकी औकात, लो खाओ। मैं खा रहा हूँ। जिस तरीके से खाए हो खाने को तुम्हें रेट करना चाहिए। देखो वो कैसे पसंद नहीं आया भाई, मेरे को ये बता कि मेरे को अब मैदे से नफरत होने लग गई है, इसलिए मैं अगर रोल भी मंगाता हूँ तो ऐसे होल व्हीट आटा वाला मंगाता हूँ मैं। हालांकि वो आटा भी इतना अच्छा नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, उसमें मैदा मिला होता है ना उसमें मेरा, लेकिन ये मेरे को ठीक लगा कंपैरेटिवली बाकी रोल्स। हाँ, ये टेस्ट वाइज ठीक है। आप कितना देंगे? मैं इसको 2 देना चाहूंगा। मैं इसको 1.9 देना चाहूंगा। ओके, नहीं नहीं 3, आई विल गिव इट 3। एंड बूम सर, ये तो राम श्याम है सर। ये सर, तुम्हारे पीटा जो है ना, ये माता लग रही है। This is hummus and pita. हाँ, hummus and pita. It's from Cater's Point, by the way. It caters to all our needs. Yeah. Who? ये देखिए, एल पीनो, चेरी टमेट, पोमग्रेनेट, ये जो तुम गांजा, ये ओलिव, क्या ये भाई? पार्सले है शायद ना? पार्सले? पार्सले। पास लेना नहीं, मुझे दूर से लेना है, बता। तुम्हारे में एक ओलिव है, गिनती का। ये बहुत सिंपल सा इसका हमस पीटा ब्रेड है। 5 में से 5 केटर्स पॉइंट, अगर आप मुझे सुन रहे हो, मुझे 10 किलो हमस घर पे भिजवाओ। इसका हमस भी अच्छा है, लेकिन पीटा ब्रेड थोड़ा सा
पिट गया है। बहुत शानदार है भाई, इट्स इनसेन ब्रो। इन जनरल तुम्हें पसंद है वैसे हमें पिज्जा? तुम वैसे कैजुअली मंगाते हो? अच्छा लगता है भाई, क्या बात। हां सही रहता है, बिल्कुल सही लगता है। जब भी ऐसा लगता है कि यार रॉकेट ऐसे के बहुत सारे ऐसे शूट कर लिया, बुकर चैलेंज कर लिया, दो तीन दिन तक वो खाने का मन नहीं करता, तो हमें पिज्जा ब्रेड एक सेफ ऑल्टरनेट है, क्योंकि इसमें ना आपके पेट में जाके कुछ ऐसे मसाले ऐसे एसिडिटी वगैरह नहीं होती, बड़ा ठंडा करता है आपके पेट को। बेसिकली छोले होते हैं, उनको उबाल दो, फिर उसको ठंडा कर दो, और फिर उसको मिक्स कर दो मिक्सी में, और थोड़ा दही वही के साथ मिक्स कर दो, तो खट्टा होता है लेकिन बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन से भरा हुआ। तो दोस्तों ये कौस्तुभ का खाना जो है ये है केटर्स पॉइंट का, इसको मैं देना चाहूंगा 5 में से 4.8 मार्क्स में किसी काटूंगा। सब्जी जो ऊपर थी अगर वो एक्स्ट्रा साठ में थोड़े और दे देते जिंदगी में मौज आते। दोस्तों ऊपर की सारी सब्जियां मैंने पहली पेल दी, क्योंकि मैं जो बेस्ट चीज होती है पहली खा लेता हूँ, एंड में थोड़ा सा रायता बच जाता है। एक्चुअली ये 338 रुपीस का आया था आफ्टर डिस्काउंट, उस हिसाब से जिस जो क्वांटिटी देते हैं सब्जियां देते हैं सही है, बहुत सही है। ये वाले में ना सब्जी थी और इसका प्राइस 200, तो इसको मैं देना चाहूंगा 3 रेटिंग। बहुत सही बाय कौस्तु, रिस्पेक्ट है। क्या शौकीन आदमी हो और तुम, क्या शानदार खाना खाते हो भाई। तुम भी वेरी काफी ज्यादा शौकीन आदमी। आई रियली लाइक्ड इट ब्रो। तुमने मतलब सारा ट्रेशलिशियस है ना, उसने तुम्हारे सारे ऑर्डर को ओवरपावर कर दिया। ओवरपावर से बात, लेकिन मुझे ओवरऑल तुम्हारा अच्छा लगा, अपार्ट फ्रॉम दैट बर्गर, बट वो गलती से तुमने कर दिया, बट बाकी तुम्हारा बहुत सही था। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमें तो एक दूसरे का बहुत पसंद आया, अगर आपको भी हमारा पसंद आया और आप चाहते हैं कि आप ओके टेस्ट में बाकियों का भी पसंद करें, तो इस वीडियो पे मारिए खींच के लाइक, बहुत ज्यादा लाइक हमें चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आप अगला किन एंकर्स का ऑर्डर स्वैप देखना चाहते हैं, और अगर शेर, शेर, अगर अभी तक आपने हमारे शानदार से ब्यूटीफुल येलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है ओके टेस्टेड, प्लीज दोस्तों कर दो। 7 साल से बोल रहे हैं, अब क्या करें, मर जाएंगे तब करोगे, कर दो दोस्तों जल्दी से कर दो, प्लीज प्लीज जल्दी करिए। दोस्तों मोहब्बत से जिंदगी चलती है, तो अपनी टांगों को नाम दे दीजिए मोहब्बत, ताकि आप भी चल पाए। ओके बाय।